हेलो, वेलकम टू माय चैनल नेहा मटीला। आज मैं आपके सामने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिसमें मैं डायरेक्शंस के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आज चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निरंजन गोज 6 किलोमीटर टुवार्ड ईस्ट फ्रॉम लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी से ईस्ट की ओर 6 किलोमीटर बढ़े, इसके बाद और एंड टेक राइट टर्न लिया, फिर 3 किलोमीटर चले, फिर लेफ्ट टर्न लिया और 6 किलोमीटर बढ़े, फिर राइट टर्न लिया, फिर 3 किलोमीटर बढ़े और फिर राइट टर्न लिया और 6 किलोमीटर बढ़े, और फिर हम कहाँ बढ़े, लेफ्ट टर्न बढ़े और ही नाउ ट्रेवल 3 किलोमीटर एंड टेक अ लेफ्ट टर्न टू हिज होम विच इज 6 किलोमीटर। ये भी क्या है, 6 है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइब्रेरी और निरंजन्स होम, इनके बीच में हमें निकालना है, लाइब्रेरी और होम की डिस्टेंस निकालनी है। तो हमें कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें ये बेस पता होना चाहिए और ये लेंथ, तो लेंथ तो हो जाएगी 9 टोटली और बेस हो जाएगा 6 और 6 12। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। तो ये किसका होता है, स्क्वायर रूट ये होता है 15 का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 15 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई गो 100 मीटर्स टुवर्ड नॉर्थ फ्रॉम माई हाउस, ठीक है, तो हम इस तरीके से एक लाइन बना लेते हैं। इसमें क्या बोला है, आई, ये ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आई गो 100 मीटर्स टुवर्ड नॉर्थ फ्रॉम माई हाउस, तो हम नॉर्थ की ओर जाएंगे अपने हाउस से, यहाँ पर हमारा हाउस है 100 मीटर, देन टर्न लेफ्ट एंड गो 200 तो ये 200 गए, एंड देन टर्निंग लेफ्ट 200, ठीक है 200, देन अगेन टर्निंग लेफ्ट आई गो 100 मीटर एंड देन टर्निंग लेफ्ट आई गो 100 मीटर। ठीक है, इन विच डायरेक्शन एम आई नाउ फेसिंग फ्रॉम माई हाउस, तो हाउस से मेरा फेस किस जगह पे है ये हमें फाइंड करना है। तो ये हाउस से फेस किस साइड है, यानी कि वेस्ट साइड में है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वेस्ट। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 कार A एंड B स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक सेम पॉइंट से 2 कार क्या हो रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं। सपोज ये एक पॉइंट है, कार ए रन 11 किलोमीटर साउथ, देन टर्न टू द लेफ्ट एंड रन 19 किलोमीटर, और कार भी इसी पॉइंट से कहाँ जा रही है, 11 किलोमीटर वेस्ट में।
एंड टर्न टू हिज राइट, इस अपने राइट में 5 किलोमीटर आगे बढ़ रही है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजिशन ऑफ बोथ कार, बोथ कार की जो फाइनल पोजिशन है उसकी डिस्टेंस हमें मेन निकालनी है। तो हमें जैसे ए और ये सी पॉइंट निकालना है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ये और ये, यानी कि लेंथ पता होनी चाहिए हमें कितनी है इसकी, और बेस कितना है वो पता होना चाहिए। लेंथ कितनी है 5 और ये 11, यानी कि ये लेंथ हो गई 16, और बेस कितना हो गया, बेस हो जाएगा 11 प्लस 19 30, 30 हमारा बेस हो गया है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है ए सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर भी हम एक पॉइंट बी ले लेते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो हम कैसे निकालेंगे, बी सी का स्क्वायर करेंगे प्लस ए बी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा आएगा फाइनली 1156 तो का स्क्वायर आएगा, तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है 34 का होता है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 34 किलोमीटर। रवि इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ एंड स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड नॉर्थ, रवि इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की ओर फेस करके खड़ा है रवि यहाँ पर, और चल रहा है आगे को 10 किलोमीटर चला, स्टार्टिंग पॉइंट ए है, स्टार्टिंग पॉइंट ए से 10 किलोमीटर चला, और फिर ये गया राइट को 5 किलोमीटर चला है, और फिर कहाँ पर पहुँच गया, एक बी पॉइंट पे पहुँच गया, या इसको हमने बी पॉइंट बोल दिया, ठीक है, और बी पॉइंट से रवि दोबारा से चला है लेफ्ट को 5, फिर 5 चला है लेफ्ट साइड में, और फिर इस पॉइंट को हमने सी पॉइंट बोल दिया है, इस पॉइंट को, फ्रॉम सी पॉइंट रवि अगेन टर्न लेफ्ट टू हिज लेफ्ट एंड 5 किलोमीटर, फिर वो 5 किलोमीटर और चला, और उसने इस पॉइंट को डी पॉइंट बोला है, एंड इंड हिज जर्नी, और इस पॉइंट पे उसकी जर्नी समाप्त हो गई है। इन विच डायरेक्शन इज रवि स्टैंडिंग फ्रॉम द पॉइंट वेयर ही स्टार्टेड हिज जर्नी, तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करनी है, इन विच डायरेक्शन मतलब किस डायरेक्शन में रवि स्टैंडिंग फ्रॉम पॉइंट, किस पॉइंट से खड़ा था, वेयर ही स्टार्टेड हिज जर्नी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसी को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि किस साइड पे यहाँ पे इसकी जर्नी एंडिंग हो रही है, स्टार्टिंग से एंडिंग की हम डायरेक्शन देखेंगे तो ये नॉर्थ ही जा रहा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राम इज फेसिंग नॉर्थ, राम ने क्या किया हुआ है, अपना फेस नॉर्थ की ओर किया हुआ है, ही देन टर्न 45 डिग्री, ठीक है, राम ने अपना फेस नॉर्थ की ओर किया हुआ है, ठीक है, नॉर्थ इधर होगा, वो कहाँ को टर्न हो रहा है, 45 डिग्री पे टर्न हुआ, 45 डिग्री पे टर्न हो गया, इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ये 45 डिग्री मुड़ा है, एंड देन अगेन टर्न 180 इन द सेम पोजिशन, क्लॉक वाइज पोजिशन में ही फिर ये 180 और टर्न हुआ, 180 टर्न और करा उसने, इसके बाद क्या किया, ही देन टर्न 45 इन द एंटी क्लॉक डायरेक्शन, उसके बाद एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, जैसे इसने
पहले क्या किया इसने, 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया, उसके बाद 180 डिग्री क्लॉकवाइज गया, उसके बाद क्या हुआ ये एंटी क्लॉकवाइज गया है इस पॉइंट से 45 डिग्री। तो फाइंड द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, तो यानी कि ये किस साइड फेस कर रहा है, ये लाइन है ना यहाँ पे गया है 45, तो कहाँ को फेस कर रहा है ये, क्या है नॉर्थ, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नॉर्थ। श्वेता स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हर ऑफिस, तो इसका ऑफिस सपोज यहाँ पर इसका ऑफिस है, तो ये अपने ऑफिस से साउथ की ओर चली 150। देन सी टर्न राइट, उसके बाद ये राइट गई 80 गई आगे। देन सी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 60, उसके बाद लेफ्ट में 60 गई है। सी फाइनली टर्न लेफ्ट एंड वॉक 280, फिर ये फाइनली 280 गई। टू रीच अ बैंक, किसी व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर ऑफिस एंड बैंक, ये ऑफिस है और ये बैंक है और ये ऑफिस है, तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑफिस एंड बैंक, यानी कि ऑफिस और बैंक के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, ओ बी फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसको, उसके लिए हमें ये लेंथ पता होनी चाहिए और ये बेस पता होनी चाहिए। तो ये हमारा लेंथ क्या होगा, यहाँ पे लेंथ हो जाएगी 60 प्लस 150 हो जाएगी 210, हमारी लेंथ हो जाएगी, और बेस कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो बेस होगा वो होगा 200। अब इसको पाइथन वगैरह प्रमेय से हम फाइंड करेंगे ये डिस्टेंस ऑफिस और बैंक के बीच की, तो 210 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर टू होता है 84100, तो ये किसका स्क्वायर होता है 290 का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 290, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 290 मीटर। लव एग्जिस्ट फ्रॉम बैक डोर ऑफ हिज नॉर्थ फेसिंग हाउस एंड वॉक 25 मीटर स्ट्रेट, नॉर्थ फेसिंग एंड वॉक 25 मीटर स्ट्रेट, नॉर्थ से 25 मीटर आगे बढ़ा, उसके बाद टर्न लेफ्ट 36 मीटर, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 47 मीटर, ही टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक 36, फिर 36 गया। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस नाउ, तो वह अपने घर से कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में है वो हमें फाइंड करना है। तो डिस्टेंस तो हमारी ये आई है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, तो इसकी डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे हम, हमें पता है यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा 47 है और ये 25 है, तो 47 में से हम 25 को माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 22। तो ये इस पॉइंट को, स्टार्टिंग पॉइंट को मैंने ए मान लिया और एंडिंग पॉइंट को बी मान लिया, यानी कि ए और बी कितना आ गया 22, ठीक है। तो 22 मीटर हमारा आ गया है स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट की डिस्टेंस, और डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ, स्टार्टिंग से एंडिंग की डायरेक्शन क्या है नॉर्थ, यानी कि 22 मीटर और नॉर्थ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 22 मीटर नॉर्थ। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन मॉर्निंग चित्राक्षी एंड आर्यन सिट फेसिंग ईच अदर,
If the shadow of Aryan falls to the left of Chitrakshi, then in which direction is Aryan facing? तो ये ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो यहाँ पर हमारा सन ईस्ट में आ रहा है, ये आर्यन और ये चित्राक्षी, ठीक है। आर्यन और चित्राक्षी क्या हैं, एक दूसरे की ओर को फेस किए हुए हैं और आर्यन की शेडो है इधर। तो देन इन विच डायरेक्शन इज आर्यन फेसिंग, तो आर्यन ने फेस किस डायरेक्शन में किया हुआ है, यानी कि साउथ, साउथ डायरेक्शन में किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, साउथ। अनूप ट्रेवल 5 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी कि अनूप कहाँ गया है, वेस्ट की ओर को 5 किलोमीटर अपने ऑफिस से, ये ऑफिस है, 5 किलोमीटर वेस्ट को गया। देन ट्रेवल 4 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ, और नॉर्थ की ओर गया है 4 किलोमीटर, फॉलो बाई 5 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट, उसके बाद उसने फॉलो किया वेस्ट को 5 किलोमीटर, एंड फाइनली 6 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ, उसके बाद वो फिर नॉर्थ में 6 किलोमीटर गया। तो व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन किलोमीटर ट्रेवल्ड बाई हिम, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है हमें। तो यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकलेगी हमारी, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट की ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, यानी कि ए और सी मान लो इसको, एक पॉइंट ए है एंडिंग पॉइंट का, स्टार्टिंग पॉइंट को हमने हॉरिजॉन्टली इसको आगे लिया तो हमने ये सी पॉइंट ले लिया, तो हमें ये ए और सी फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, जो हमें पता है यहाँ से तक 5 है और यहाँ से तक 5, यानी 5 5 10, यानी कि ए और सी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रूबी रन 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, फाइव किलोमीटर रूबी जाती है साउथ की ओर, देन 7 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, 7 गई, देन सी टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 7, फिर दोबारा से वो 7 गई, अगेन टेक अ लेफ्ट टर्न एंड मूव 8, फिर 8 गई, फाइनली सी वॉक 8 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से इस डायरेक्शन, मतलब इस पॉइंट एंडिंग पॉइंट का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है और डायरेक्शन भी निकालना है, स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट का डायरेक्शन क्या है और डिस्टेंस कितनी है। तो ये डिस्टेंस ए माना, इसको ए मान लिया, इसको हमने सी मान लिया इस पॉइंट को, तो ये हमें निकालना है ए और सी पॉइंट। तो कैसे निकालेंगे, ये लेंथ और बेस पता होगा तब निकालेंगे। तो बेस हमारा हो जाएगा 7 है और ये 8 है, यानी कि बेस हो जाएगा 15 और लेंथ हो जाएगा 5 7 5 7 और 8, यानी कि कितना जाएगा 20। तो हम कैसे निकालेंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा, टोटल 625 हो जाएगा, 625 का स्क्वायर, तो यानी कि कितना होता है, किसका होता है स्क्वायर, 25 का। तो इसका डिस्टेंस तो आ गई ए और सी 25 किलोमीटर, और ये किस डायरेक्शन में है, ये है साउथ, साउथ ईस्ट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 25 किलोमीटर साउथ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शशांक वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस
से एक्स मीटर, मतलब कुछ कोई डिस्टेंस है जिसे एक्स मीटर वेस्ट की ओर चला, एक्स मीटर गया वेस्ट की ओर, ठीक है, इस पॉइंट से एक्स मीटर गया है वेस्ट की ओर, देन टर्न लेफ्ट, उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ा 35 और फिर राइट मुड़ा 18 गया, फ्रॉम देयर ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 9 मीटर एंड सी टर्न लेफ्ट अगेन एट 9 एंड टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक 12. ही फाइनली टर्न राइट एंड वॉक 35. मीटर टू रीच अ पॉइंट, इस पॉइंट पर पहुँचा, दैट इज एग्जैक्टली 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 10 मीटर है स्टार्टिंग पॉइंट, इधर से 10 मीटर हो गया. तो हमें क्या फाइंड करना है, ये एक्स जो स्टार्टिंग में क्या चला था, एक्स मीटर चला था, वो हमें फाइंड करना है. तो कि एक्स मीटर की वैल्यू क्या हो सकती है, तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे, ये हमें ये ओवरऑल दिया हुआ है 60, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है. तो कैसे करेंगे, 60 माइनस क्या करेंगे हम, 18, ये 18, ये 10 और ये 12, 10 और 12, तो कितना जाएगा 20. फाइनल आंसर आ जाएगा 20 मीटर. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 20 मीटर. पढ़ते हैं, अजय एंड काजल आर डूइंग योगा इन द मॉर्निंग. अजय एंड काजल आर फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, करके बैठे. काजोल शेडो फॉल, यहाँ पर क्या है, सन है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ये है काजोल, यहाँ ये इसके यहाँ पर शेडो है, और यहाँ पर क्या है, ये काजोल है, और ये क्या है, अजय. तो हमें क्या फाइंड करना है, विच डायरेक्शन इज अजय फेसिंग, तो अजय किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ. द करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नॉर्थ. गर्ल स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट पी, एक गर्ल क्या होती है, एंड वॉक 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एक स्टार्टिंग पॉइंट माना पी है, यहाँ से ये नॉर्थ ईस्ट में गया 10 मीटर, उसके बाद ये किसी क्यू पॉइंट मान लिया इसको, फिर ये फिर लेफ्ट में गया और 10 किलोमीटर गया, इस पॉइंट को आर मान लिया, वेस्ट वार 2.3 एंड सी अगेन 10 लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर रीच पॉइंट एस, एस पॉइंट पर आ गया, विच इज डायरेक्टली साउथवर्ड और 2.q फ्रॉम द एस द टर्न ऑफ पॉइंट पी एंड वॉक 10 मीटर, ये 10 मीटर गया. वट इज द शेप ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर, तो ये हमारा शेप हो जाएगा स्क्वायर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 स्क्वायर. थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगर वीडियो में कोई डाउट हो या फिर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में. थैंक यू.